इंदौर जिले के बेटमा में महाराणा प्रताप की 419वीं जयंती पर महाराणा प्रताप विचार मंच और धर्म जागरण मंच ने नगर में विशाल शौर्य और समरसता यात्रा का आयोजन किया। यात्रा राजवाड़ा चौक से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सभा स्थल पूरा बाजार पहुंची, जहां यात्रा का जगह जगह संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सभा की शुरुआत की। सभा में आगंतुक अतिथियों व प्रमुख वक्ताओं ने समाज में समरसता, एकजुटता व अखंडता लाने पर अपने विचार व्यक्त किए और महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें बताई। यात्रा में 3 घोड़ों पर महाराणा प्रताप भामाशाह व राणा खेता के वेशभूषा में विराजमान थे, जो आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गो सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष नेहा सिंह सोलंकी, प्रसिद्ध कथावाचक लोकेशानंद शास्त्री, सामाजिक समरसता के प्रमुख हरिराम सोलंकी सहित नागरिक मौजूद थे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। प्रताप विचार मंच के तहत हमने ये यात्रा निकाली है, जो महाराणा प्रताप से जन जन के थे और पूरे नगर में और ग्रामीण क्षेत्र में हर समाज हर वर्ग को हमने निमंत्रित किया है और यात्रा में आने के लिए प्रेरित किया है और सब लोग आए भी। और महाराणा प्रताप की जो सामाजिक समरसता की नीति थी उसको आत्मसात करने के लिए बेटमा नगर का ये अभूतपूर्व आयोजन, अभी तो मैं कहूँ मध्य प्रदेश का ये अभूतपूर्व आयोजन है कि महाराणा प्रताप को सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है और उनकी यात्रा बेटमा में निकालकर सामाजिक समरसता का ये संदेश अभी तो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में बेटमा नगर से जा रहा है। हम सब एक हों, मिलकर कार्य करें, देश हित के लिए कार्य करें, राष्ट्र हित के लिए कार्य करें, इसलिए सामाजिक समरसता की यात्रा आज अभूतपूर्व यहाँ निकली है। और मैं इस सामाजिक समरसता की यात्रा के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। संस्था सनातन सक्षम को भी बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। एक यात्रा निकाली गई, इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमारे महाराणा प्रताप जी जिन्होंने हल्दीघाटी में युद्ध लड़ा था, आज इसके पूर्ण स्मरण के रूप में हमने समरसता रैली निकाली है और इस रैली में पूरे नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और समरसता को हम लोगों ने आत्मसात किया।